फ्लाई ऐश के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है फ्लाई ऐश के रिगार्डिंग, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी एक कंपनी है, एनटीपीसी जो पावर जनरेट करती है, बिजली बनाती है भाई साहब ये इंडिया में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट्स अभी इनवाइट किया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि बहुत सारे कंट्री से रिक्वेस्ट किए, जो जो फ्लाई ऐश की सेल में हमसे मतलब कोऑर्डिनेट करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है इसके यूटिलाइजेशन के लिए, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है इसका यूज करना चाहता है, तो हमसे संपर्क करें। तो फ्लाई ऐश है जो उसके सेल के लिए 100% यूटिलाइजेशन किया जा सके, फ्लाई ऐश का 100% यूटिलाइजेशन किया जा सके, ऐसे कुछ प्लांट डेजिग्नेट किए हैं एनटीपीसी ने, जो कहाँ पे मिडल ईस्ट और अदर रीजन में, मिडल ईस्ट मतलब जो मिडल ईस्ट रीजन होता है एशिया का, आपने देखा भी होगा बहुत बार यहाँ पे ये वाला एरिया में और अदर रीजन में कुछ डेजिग्नेटेड प्लांट किए हैं कि ताकि जो फ्लाई ऐश है उसका 100% तक यूज किया जा सके, मतलब जितना फ्लाई ऐश निकलता है उतना यूज किया जा सके। अब फ्लाई ऐश है क्या, ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट का मतलब है अवशेष, जब कोल है कोयला, एनटीपीसी क्या एक कंपनी है, जब बिजली बनाती है कोल को यूज करती है, कोयले से थर्मल एनर्जी यूज करती है, कोयले से भाई साहब गर्म करते हैं, इससे हीट निकलती है, हीट ऊष्मा को टरबाइन को घुमाने के काम आता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो कोल की जब बर्निंग करते हैं तो उससे फ्लाई ऐश निकलता है, ये समझ लो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, फ्लाई ऐश निकलता है, अभी दिखाऊंगा आपको कैसे समझ आ जाएगा। तो फ्लाई ऐश क्या है, देखो फ्लाई ऐश इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ से, कंबसन चैम्बर से, बाई एग्जॉस्ट गैसेज, गैसेज जैसे ही मान लो कुछ कोयला जलाया या कुछ सीमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट तो आप सब लोग जानते हो ना, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट होता है आपका घर बना हुआ, सबके पास घर है, जिसके पास नहीं है एक कमरा तो जरूरी होगा, घर में बैठे हो आप, बिल्डिंग तो आपके सामने जरूर दिख रही होगी, वो बनाए वहाँ पे ब्रिक लगी हैं, ब्रिक का मतलब है ईंट, ईंटें लगी हैं, उन ईंटों को जोड़ने के लिए मसाला होता है क्रेशर का, रेती का, और उसमें सीमेंट भी डलता है, तो सीमेंट जब जब जिस फैक्ट्री में प्लांट्स पे बन रहा है सीमेंट बनता है तो उससे क्या निकलता है, इससे धूल सी निकलती है, धूल सीमेंट बनती है तो, या जैसे पीसते हैं पत्थर वगैरह को, जब सीमेंट से धूल निकलती है ना, वो धूल ही है फ्लाई, ये फ्लाई ऐश, तो जब गैस निकलती है गैस चैम्बर के साथ साथ ये फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्ट होती है, ये देख सकते हो आप इस इमेज में, ये देखो ये क्रेशर है, ये आपका मसाला बन गया, ये आपका यहाँ से ले रहे हैं मिट्टी, ये खोद रही है जेसीबी, ये सीमेंट है बन गया, ये वाला ये पत्थर है लाइमस्टोन जिससे सीमेंट को पीसा जाता है, ये सीमेंट बन गया पीस के, और ये फ्लाई ऐश निकलती है आपकी, इनसे इनसे निकलती है फ्लाई ऐश, तो ये कलेक्ट की जाती है ऑक्जस्ट गैसेस से, किसके जरिए कलेक्ट करते हैं फ्लाई ऐश को, फ्लाई ऐश को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा कैसे करते हैं, फ्लाई ऐश जो निकलती है इनसे, जो भी गैस एग्जॉस्ट कर रही है, जो भी गैसेज निकल रही हैं उनसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, एक बैग फिल्टर बोल सकते हो आप, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक मशीन है, एक फिल्ट्रेशन डिवाइस है जो फिल्टर कर देता है, फ्लाई ऐश को अलग कर देता है, और जो स्मोक और फाइन डस्ट पार्टिकल है इन्हें गैस से अलग कर देता है, जो भी गैस है गैस अलग कर दी, फाइन डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण है, स्मोक है, धूल है कोई, इसको अलग कर देता है, तो इससे अलग किया जाता है फ्लाई ऐश को ही। देखो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज किए जाते हैं इसको अलग करने के लिए, तो ये एयर पॉल्यूटेंट जो कंट्रोल के लिए डिवाइस यूज होता है कॉमनली, जो ये डिवाइस देखा हमने प्रेसिपिटेटर, ये प्रेसिपिटेटर है जो इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर, ये पॉल्यूटेंट जो कंट्रोल होते हैं मतलब एयर पॉल्यूटेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। अब फ्लाई ऐश में होता क्या है ये जानना आपको ज़रूरी है, इसमें देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब याद करना जरूरी है बिल्कुल। देखो सबसे ज़्यादा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड 18.9%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है 15.2%, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है ये आपको याद रखना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और क्या क्या होता है ये सब याद रखना है आपको, फेरस ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, टेंटियम ऑक्साइड है ये शायद, ये आपका SO3, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये SiO3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये है ये, तो ये सब आपको याद रखने हैं कौन कौन से इसमें मटेरियल पाए जाते हैं, मेनली आप ये याद रख सकते हो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये देखो, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसकी तरह होता है इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकली डिफरेंट होता है थोड़ा, पोर्टलैंड सीमेंट ऐसा होता है देखो, ऐसी इसकी बोरी आती है, कट्टे में आता है ये, कट्टा भी बोलते हैं, बोरी भी बोलते हैं इसको, इसमें पैक होके आता है ये सीमेंट होता है जो आपकी बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, ये पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है बाइंडिंग मटेरियल होता है,
ये एक फाइनली ग्राउंड पाउडर होता है, एक पाउडर सा जो आपको देखा पाउडर सा होता है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम आता है ये। कैसे बनता है ये सीमेंट, कैसे बनता है, लाइमस्टोन और क्ले होता है जिसको मिक्सचर होता है, इसको पीस देते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब पीसना, मशीन से पीस दिया तो ये सीमेंट बन जाता है। ये होता है लाइमस्टोन का पत्थर, या ये लाइमस्टोन, ये भी लाइमस्टोन का ही एक टाइप है, और ये है आपका क्लो, इनके क्ले है एक क्ले, इनको मिला के मिक्सचर करके पीस देते हैं तब ये बनता है। और इस सीमेंट में होता है आपका कैल्शियम सिलिकेट्स, कैल्शियम एलुमिनेट, कैल्शियम एलुमिनो फेराइट, ये सीमेंट में होता है। तो इसकी ही प्रॉपर्टी कुछ होती है, लेकिन केमिकली कुछ डिफरेंट होता है। और केमिकली क्या क्या होता है फ्लाई ऐश में हमने देख लिया ऊपर, जो सिलिन सिली जो सिलिकेट ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड वगैरह देखा हमने, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें। अब ये जो सीमेंटियस प्रॉपर्टी को ही एग्जिबिट करता है फ्लाई ऐश, जैसे सीमेंट में प्रॉपर्टी होती है, सीमेंट में कैसी होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो अगर सीमेंट को पानी के साथ मिला जाए तो ये हार्ड हो जाता है कुछ देर के लिए, जैसे पानी मिला दें और छोड़ दें तो हार्ड हो जाएगा, फिर टूटता भी नहीं है। तो इसलिए भी बिल्डिंग को जैसे ईंट वगैरह लगती हैं, जो ब्रिक लगती हैं ईंट, उनको जोड़ने के काम आता है ना ये। इसके यूज कहाँ कहाँ पे हैं, यूज है देखो सीमेंट प्रोडक्ट की तरह यूज हो सकता है कंक्रीट में, जो लेंटर डलता है ना छत पे, छत जो जलती है लेंटर डलता है, कंक्रीट डलता है घरों में बिल्डिंग्स में, उसमें यूज हो सकता है फ्लाई ऐश। रोड बनाने के लिए, मेटल रिकवरी के लिए हो सकता है, मिनरल फिल्टर के लिए यूज हो सकता है। तो यूज आपको याद रखने हैं। लेकिन कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, हानिकारक प्रभाव हैं। क्या है, ये एक टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट है, जैसे अगर एयर में घूमता रहेगा, बहुत ही भाई बारीक कण है इसके, और हवा की तरह हवा में मिक्सचर होकर गैस की तरह घूमता रहता है, ये छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल हैं। तो ये क्या करते हैं, हार्ट डिसीज कर सकते हैं, यह दिल की बीमारी कर सकते हैं अगर जिसके अंदर चला जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में। कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से, और रेस्पायरेटरी डिसीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है आपको, इसको सांस की बीमारी हो सकती है किसी आदमी को। अगर इसको क्या है किसी और के साथ मिला दिया जाए, वाटर के साथ जैसे मिलाई जाए, तो ये लीचिंग भी कर देता है। लीचिंग का मतलब हैवी मेटल्स को ये ग्राउंड वाटर में जाकर ले जाता है, ग्राउंड वाटर में ले जाता है अर्थ के थ्रू, और ये सॉइल को पॉल्यूट कर देता है। सॉइल है जो ऊपर ये फ्लाई ऐश हो जाए तो उसको गंदा कर देता है, सॉइल को पॉल्यूट कर देता है, और जो भी ट्री वगैरह की रूट होती हैं उसको, रूट सिस्टम को डेवलप होने से रोकता है। मतलब जैसे ये यहाँ पे पेड़ है, इसके आसपास इकट्ठा हो गया तो रूट में चला जाएगा, उसकी रूट को जकड़ लेता है और रूट फैल नहीं पाती, पेड़ भी फिर ख़राब हो जाता है। इस फ्लाई ऐश का और क्या क्या यूटिलाइजेशन है, एक तो एनटीपीसी कंपनी क्या है, जो सीमेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे कोलैबोरेट कर रही है, सहयोग कर रही है, ताकि जो फ्लाई ऐश है इसको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डिलीवर किया जाए। जैसे एनटीपीसी कंपनी कोयले से बनाती है बिजली, कोयले से जो गैस निकलती है उसमें फ्लाई ऐश होता है, तो फ्लाई ऐश ये चाहती है कि जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको दे दें, और वो सीमेंट में मिला देंगे, ये बिल्डिंग वगैरह मटेरियल में यूज हो जाएगा, या फिर इसकी ईंट बना ले, ब्रिक बना ले, ब्रिक BRIC के, ब्रिक होता है ईंट जो घरों में लगती हैं बनने के लिए। तो इस फ्लाई ऐश जो ब्रिक है, ब्रिक बनाई जाएंगी, इनका भी यूज प्रमोट करे बिल्डिंग मटेरियल के लिए, ये चाहता है एनटीपीसी। और इसके लिए फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाए हुए हैं अपने थर्मल पावर प्लांट में ही, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे बिजली बनती है, एनटीपीसी की कंपनी है जो प्लांट है, उसी में ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट बनाए हुए हैं। ये फ्लाई ऐश से ब्रिक बनाती है, ईंटें बनाती है ये कंपनी, और ईंटों को बेचना चाहती है ये, ताकि मटेरियल यूज हो कंस्ट्रक्शन में, यूज हो ये ब्रिक वगैरह। ये ऑन एन एवरेज फ्लाई ऐश जो ब्रिक है 60 मिलियन अभी तक क्या है मैन्युफैक्चरिंग करती है हर साल एनटीपीसी कंपनी। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो लगभग 6 करोड़ ईंटें बनाती है ये, ब्रिक बनाती है एनटीपीसी एनुअली, जो इसके प्लांट में ही बनते हैं, जो प्लांट लगा रखा है इसने अपने प्लांट में। मिनिस्ट्री ऑफ ये इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की कुछ डायरेक्शन है, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एनटीपीसी की जो स्टेशन हैं, कंपनी है, उनमें कम से कम 20% जो टोटल फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है वो फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए रिजर्व रखा जाए, उससे फ्लाई ऐश ब्रिक बनाई जाए, ईंटें बनाई जाएँ, कुछ ब्लॉक्स टाइल्स वगैरह बनाई जाएँ, जो आपके घरों में टाइल वगैरह लगती हैं ये बनाई जाएँ, और ये क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र करे। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट किसको देगी, ये देगी जो हाउसिंग बन रहे हैं ना, घर बन रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल एक स्कीम है, हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, जब 75 ईयर कंप्लीट होंगे 2022 तक, सबको घर प्रोवाइड करने की एक स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट की। तो उसमें क्या है, ऐसे घरों जो बना के दे रही है गवर्नमेंट, वहाँ पे भी फ्लाई ऐश की जो ब्रिक्स वगैरह हैं, टाइल वगैरह, उन घरों में भी यूज हो सकें, तो ये चीज़ चाहती है ये। जो टोटल फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है एनटीपीसी में, उसका लगभग 9% ये फ्लाई ऐश ब्रिक ब्लॉक वगैरह टाइल्स वगैरह एनुअली एनटीपीसी ही अपने स्टेशन में यूज कर लेती है 9%। 2020-21 के दौरान ये देखा गया कि 15 एनटीपीसी प्लांट हैं जो सप्लाई करते हैं फ्लाई ऐश, ये लगभग 20 मिलियन टन्स
फ्लाई एस को जो प्रोडक्ट है ये देते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए, रोड प्रोजेक्ट के लिए, या फ्लाई एस का यूटिलाइजेशन होता है और भी जगह। तो ये लगभग 20 मिलियन टन्स तक ये दिया गया 2020-21 में 15 NTPC प्लांट ने। और लास्ट 5 ईयर का जो डेटा देखें तो फ्लाई एस का यूटिलाइजेशन बढ़ा है 80% तक, मतलब जितना फ्लाई एस जनरेट होता है 80% तक यूज किया जाता है उसका कंट्री में। तो आपको स्टेटमेंट में ऐसे देके पूछा जा सकता है कि फ्लाई एस का यूटिलाइजेशन, फ्लाई एस का यूज प्रयोग पिछले 5 सालों में घटा है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तो आपको याद रखना है इंक्रीज हुआ है, ग्रोन अप हुआ है, डिक्रीज आ जाए तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और ये हमने पढ़ लिया स्टेटमेंट कि प्रधानमंत्री आवास योजना है जो हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल सबके लिए घर हो 2022 तक, इसके लिए फ्लाई एस जो ब्रिक हैं यूज हो सकती हैं, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होंगी और इनोवेटिव भी होंगी। मतलब पॉल्यूशन तो कम होगा ही, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन अगर इन्वायरमेंट में घूमता रहेगा फ्लाई एस पॉल्यूशन होगा। अगर हम ईट बना के इसकी बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज कर लें तो पॉल्यूशन कम होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपनी पॉलिसी अपना चुकी हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स फ्लाई एस यूटिलाइजेशन पॉलिसी अपना चुकी हैं। इनमें महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट था, पहला राज्य था जिसने अडॉप्ट की थी फ्लाई एस यूटिलाइजेशन पॉलिसी, के फ्लाई एस जो भी निकलती है उसे यूटिलाइज किया जा सके, यूज किया जा सके। गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल भी बना रखा है और एक मोबाइल की एप्लीकेशन भी बना रखी है एस टेक नाम से। प्ले स्टोर पे जाओगे एस टेक नाम की एप्लीकेशन मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी ताकि जहाँ पे भी एस है कोई भी कंपनी इस पे आप दे सकते हो कि बेचना चाहते हो आप यहाँ पर रख दोगे फ्लाई एस, और कोई ख़रीदना चाहती है कंपनी फ्लाई एस ले लेगी इससे। कोई ब्रिक बनाना चाहता है, टाइल बनाना चाहती है, वो कंपनी ले लेगी इससे। जैसे मान लो सीमेंट का प्लांट है, सीमेंट में फ्लाई एस जनरेट हो रहा और फ्लाई एस इकट्ठा कर लिया सीमेंट बनाने वाले प्लांट ने, कंपनी ने, तो इस एस ट्रैक कंपनी पे कह देगी मेरे पास भाई साहब 20 मिलियन टन एस ट्रैक है, कोई ख़रीदना चाहता है तो आ जाओ, तो उस पर ले लेंगे। ऐसी कुछ जानकारी मिलती है एस ट्रैक पे। और इस पर GST जो रेट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रेट है, वो भी डिक्रीज कर दिया फ्लाई एस पे, 5% तक रिड्यूस कर दिया है। अब ये NTPC के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो टॉपिक तो खत्म हुआ। NTPC एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट कंपनी है ये, मान लो पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है NTPC, और बिजली प्रोड्यूस करती है। इसका टारगेट यही है कि रिलायबल पावर प्रोवाइड की जाए पूरी कंट्री में, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में बिजली बनाई जाए। और ये महारत्ना कंपनी डिक्लेयर कर दिया था इसको मई 2010 में। महारत्ना कंपनी उसको करते हैं जिसका लगभग टर्नओवर 25,000 करोड़ का होता हो एनुअली, 25,000 करोड़, और लगभग 5,000 करोड़ उसका प्रॉफिट होता है लगभग एनुअली। और ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है, सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है इंडिया की NTPC। तो यही था इस लेक्चर में।